नमस्कार। दिव्या पंजाब टीवी और दिव्या टाइम्स इंडिया देखने वाले दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं साहिल मेहता। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टर समिट 2021 का आयोजन किया गया। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अमित अरोड़ा जी, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिव्या टाइम्स इंडिया में। थैंक यू वेरी मच साहिल। मुस्कुराहट के साथ इन्वेस्टर समिट 2021 में भी बहुत से प्रतिभागी शामिल हुए और लखनऊ जो शहर है उसकी खास बात यही है कि ये शहर मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। और अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप और क्या आपकी अभी तक की प्राप्तियां देखिए, इस समय जो साहिल कर रहे हैं वही मैं करता हूं दूरदर्शन के लिए, तो मुझे भी क्वेश्चन पूछना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज आप क्वेश्चन पूछे तो मैं जवाब दूंगा। और यहां पर मैं इन्वेस्टर समिट 2021 में भाग लेने आया था। ये मेरा सौभाग्य था कि इस सम्मेलन को संचालित करने का दायित्व मुझे दिया गया और ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा अनुभव इसलिए रहा साहिल, क्योंकि अगर आप देखें फरवरी 2018 जब उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे, तब मैंने वो कॉन्फ्रेंस कवर की थी दूरदर्शन के लिए। और वो 2 दिवसीय सम्मेलन था जिसमें बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, बहुत ऐसे एंटरप्रेन्योर्स यहाँ आए थे, क्योंकि हमें समझना होगा कि भारत विश्व भर में एक बहुत बड़ा बाजार है और उत्तर प्रदेश को आप भूल नहीं सकते। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बहुत जरूरी है। इस राज्य की विशेषता की बात अगर करें तो यहाँ पर 22 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड यहाँ पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे पिछले कई सालों में बहुत तेजी से उसका निर्माण हुआ है। कनेक्टिविटी इशू बहुत सुधरी है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करिए, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, आईटी, तो तमाम जब चीजें होती हैं वह आकर्षित करती हैं एक निवेशक को कि चलिए मैं अपना पैसा यहां लगाऊं। और इसलिए इन्वेस्टर समिट एक बाजार की तरह है जहां पर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, निवेशक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के प्रतिनिधि, ब्यूरोक्रेट्स, आम जनता, ये कंज्यूमर्स सारे वहां पर एक तरह से अपने कॉमन लक्ष्य के साथ आते हैं कि हाँ हम किस एरिया पर पैसे लगा सकते हैं, पूंजीपति उस पर रिटर्न्स भी कमा सकते हैं। और जो एक बहुत खास बात इस सम्मेलन में निकल के आई वो ये कि इन्वेस्टमेंट में सिर्फ हम कमर्शियल रिटर्न्स ना देखें। अब 3 P की बात होती है, ट्रिपल बॉटम लाइन। प्रॉफिट्स तो जरूरी है ही किसी बिजनेस के लिए, लेकिन साथ ही साथ प्लानेट और पीपल भी बहुत जरूरी है। बहुत धन्यवाद। और अपने बारे में बताइए, कैसे आप इस एंकरिंग लाइन में आए, कैसे स्टार्टअप हुआ और सारा बताइए। देखिए, अगर दिव्या चैनल की बात करें तो आज सोशल मीडिया से आप भी सम्मेलन की सारी जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जी सर। तो मैं भी जो मीडिया से इसलिए जुड़ा हूं क्योंकि आज लोगों में जिज्ञासा है। लोग जब भी कहीं कोई इवेंट हो रहा है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोकतंत्र में। तो मीडिया सिविल सोसाइटी का एक बहुत अहम हिस्सा है, उसे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। और मुझे बेहद खुशी है कि दिव्या चैनल के माध्यम से हमारे जो दर्शक हैं वो आपके इस कार्यक्रम के थ्रू जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में जब ये इन्वेस्टर सम्मेलन हुआ तो ये खास इसलिए रहा क्योंकि जब 2018 में सम्मेलन हुआ था वह सरकार ने कराया था। लेकिन यहां हमें तारीफ करनी होगी रोहित गुप्ता जी की, जिनकी लीडरशिप में ये इन्वेस्टर समिट हुआ। सोचिए, एक निजी प्रयास इस स्तर का जहां पर इतने सारे निवेशक आए, MOU साइन हो रहे हैं, वो वाकई ही एक काबिले तारीफ काम है, जिसके लिए मैं रोहित गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। और एक और जो आकर्षण का केंद्र रहा साहिल, कि आप यहां पर देखिए तकरीबन दिन भर में 15-20 स्पीकर्स ने अपनी अपनी बात रखी अलग अलग क्षेत्र पे। फिर चाहे वो बायोफ्यूल की बात थी, कैसे हम क्लीन फ्यूल की ओर आगे बढ़े, या फिर मान लीजिए एजुकेशन क्षेत्र में निवेश की क्यों आवश्यकता है, या फिर मान लीजिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात हो, तो ये स्पीकर्स का जो अनुभव था दशकों का वो यहाँ जनता तक भी पहुंचा, निवेशकों तक भी पहुंचा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका असर हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा और आने वाले समय में ये जब निवेश यहाँ पर होगा तो उसका फायदा जन जन तक पहुंचेगा। कोरोना काल के बाद ये नया साल शुरू होते ही समिट का आयोजन क्या समझते हो? देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि 2020 में जब से कोरोना हुआ तब से अधिकांश कॉन्फ्रेंसेस या तो हुई नहीं या फिर धीरे धीरे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का चलन चला। वो अपनी जगह ठीक है, हमें ऑनलाइन को भी समझना होगा, लेकिन जो मजा मान लीजिए आसपास बातचीत का आता है वो शायद पूर्ण रूप से ऑनलाइन में नहीं आता। तो फिर से रोहित जी और उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारक कि अब जब पूरी सावधानी बरतते हुए, और मैं यहां पर आश्वासन भी दिलाना चाहूंगा दर्शकों को कि जब इस सम्मेलन का आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ तो वहां पर बार बार
हमने सभी लोगों को आग्रह किया कि आप कोविड अनुरूप व्यवहार जरूर रखें। हमने सुनिश्चित किया कि जो लोग बैठे हैं वो एक सीट खाली छोड़कर एक पे बैठे। तो फिर चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात थी, हैंड हाइजीन की बात थी, या मास्क लगाने की बात थी, इसको लेकर तमाम प्रतिभागी भी बहुत ही सजग थे। और हमें पूरी उम्मीद है कि अब नया साल जिस तरह से नई वैक्सीन की खुशखबरी लाया है, तो इस साल हमें कोविड महामारी से मुक्ति भी मिलेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे अमित अरोड़ा जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की और विस्तार पूर्वक सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करी। तो आप देखते रहिए डिवर टाइम्स इंडिया। मैं साहिल मेहता कैमरामैन मूलराज के साथ डिवर टाइम्स इंडिया।